ये फोटोशूट के लिए है। बहुत जितने भी लोग एक्सपीरियंस करने आते हैं कैमरा, जैसे आप देख सकते हैं जो सिनेमा लाइनअप लगा हुआ है, तो कुछ लोग कैमरा की जो डायनेमिक रेंज है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है कैमरा की, वो ऑब्वियसली लाइक स्टिल के लिए नहीं होती है। मान लो कोई बंदा कह दे सर मैंने तो कैमरा नहीं खरीदना, ये मुझे पसंद आ गया, फिर सर फाइनली मानसी जी कैनन के इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि ये जापान जा रहे हैं और जापान जाने की खुशी में ये मुझे एक गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सामने है। बहुत लग्जरी गाड़ी है। हाँ सोनी भी है। तो मानसी जी ये गिफ्ट कर रहे हो क्या? मानसी ये गाड़ी गिफ्ट करे मेरे बदले, साजन जापान जाएगा, ठीक है? मेरी अभी तक मैं इतना पैसा नहीं कमा सकी हूँ यूट्यूब से। आप और सब्सक्राइब करें और पैसा कमाएं, और अगर मैं बहुत पैसा कमाऊंगी हम श्योरली साजन मैं आपको ये रेड कार गिफ्ट करूँ। थैंक यू सर। नवीन मुझे ऐसा लगा कि मैं एग्जीबिशन में आया हूँ, यहाँ पे मुझे 10-20 रुपये चार्जेस रखने चाहिए थे फोटो के, ना? जी सर। तो जिस हिसाब से आज बंदे फोटो खिंचा के गए हैं, मतलब मान के चल 10-15 हज़ार कहीं नहीं गया था ना, फ्लाइट का खर्चा तो निकल गया था। बहुत आराम से मैं 5 हज़ार से होता जलगांव से। जलगांव से हमेशा आपकी होटल देखता रहूँगा। थैंक यू सो मच। ये देखो फोटो के बारे में बात की थी ना मैंने, और ये जलगांव से आया। मैं हमेशा सर का वीडियो देखता रहता हूँ, सर को पूरा एडिट में फॉलो करता हूँ, सर का एडिटिंग इफेक्ट्स कलर ग्रेडिंग ऑसम। मुझे ये बताइए कि आप कितना प्यार करते हैं। बोलने 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 नहीं देना। अपना खास बंदा है अलविदा कह गया पुनीत सबनानी, उसके बारे में दो लफ्ज कहना चाहेंगे। पुनीत जी ये आपके लिए है। कभी अलविदा ना कहना। तो फाइनली उनकी विदाई थी, कितनी तारीख को थी? 2 तारीख। 2 तारीख को विदा कर दिया था। तो कल आ रहे हैं बोले। अच्छा कल आ रहे हैं। तो कल आ रहे हैं, एज इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। अच्छा एज इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। तो पुनीत जी आपको मिलते हैं, और गौतम जी बोल रहे थे कि बड़ा प्यार था आपका इनके साथ। और है था क्या? अच्छा है, रहेगा। तो ये ओंकार जी बहुत प्यार था पुनीत जी के साथ। पुनीत सर हम रियली मिस यू। पंजाब पूरा मिस कर रहे हैं। हम बहुत इंस्पायर्ड थे स्टार्टिंग से रोहित सर, पुनीत सर। हाय एवरीवन। तो रेडी हैं बिल्कुल हम लोग, और हमारा अटैची भी रेडी है, और मुंबई आ रहे हैं, और पूरा जो एग्जीबिशन होने वाला है उसका व्यू दिखाएंगे। और अभी बेसिकली चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाने के लिए उबर का वेट हो रहा है, तो जैसी हमारी कैब आती है, और साथ साथ में आप जुड़े रहिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाले हैं। और वेदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि शिमला में बर्फ़ गिर के हटी है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, मतलब हालांकि हिल स्टेशन के अंदर धूप निकल रही है, और यहाँ पे पिछले मतलब 15 दिन से धूप नहीं निकली है। ओए तीरी इधर, ऑडियंस को बता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं तेनों, किससे नहीं करनी। चलो ये हमारी गली का तीरी है, इसका नाम रखा हुआ धीरी। तो चल ठीक है, बाय, सी यू। चंगा चंगा, ओके। चल ऊबर वाले का फोन आ रहा है। नहीं नहीं शिवालिक नहीं है, स्वराज इनक्लेव पैंदा है, करंट लोकेशन पाई हुई है। मैं आ जाओ तुसी। और सर क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश यादव जी बहुत टाइम पे पहुंचे हैं, नहीं तो लेट हो जाते। तो चलिए आगे मिलते हैं एयरपोर्ट पे, चेक इन वगैरह करते हैं। एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं चंडीगढ़ के, और यहाँ से फ्लाइट है मुंबई, और फिर पहुंचेंगे, आज स्टे करेंगे बेसिकली, कल एग्जीबिशन के अंदर पहुंचेंगे। क्या क्या मिलता है आपके पास यहाँ पे? सारा पंजाब का कंसेप्ट फुलकारी है। अच्छा पंजाब का सारा कुछ है, मिल जाऊगा ड्रेस मटेरियल मिल रही है। अच्छा फुलकारी वगैरह सारे ना, पंजाबी सूट वगैरह मिल रहे हैं सारे, हैंड दुपट्टे मिल रहे हैं सारे। हाँ। चिकनकारी के मिल रहे हैं सारा, मतलब ट्रेडिशनल रखा हुआ है ना, पंजाब ओनली फेमस पंजाब का मटेरियल मिल रहा है। ठीक है ठीक। YouTube का क्या नाम है? नाम मेरे चैनल का नाम है सर ग्रे इंडिया, ग्रे इंडिया जी आर वाई इंडिया। मैं आपके वीडियोस देखता हूं। देखते हो आप मेरी वीडियो? वो कैमरे की रिकॉर्डिंग बताता हूं। हां हां हां। आप यहीं पे जॉब करते हो? हां सर। तो वैसे तो बहुत लोग हमें जानते हैं, लेकिन एक अननोन पर्सन जब जानता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, कि जिसका हमारे फील्ड के साथ लिंक भी नहीं है तो वो भी हमें जान रहा है, तो बहुत खुशी होती है हमें।
नाम है आपका? युवराज। युवराज, युवराज जी क्या करते हैं आप वैसे? मैं एज ए मीडिया प्रोफेशनल काम करता हूँ और आपकी जो वीडियोस हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है। हमें कभी कभी भी कोई प्रोफेशनली कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उससे रेफरेंस लेते हैं, उससे सीखते हैं। वो सारे पैसेंजर जा रहे हैं वहाँ पे और सामने प्लेन है, उसी के अंदर जाएंगे। वैसे आज फॉग बहुत है, फॉग अगर तो बाहर का नज़ारा दिखा पाए तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर सीधा ही मेरा मानना है कि एग्जीबिशन के अंदर ही चलेंगे और वहाँ पे कौन कौन से ब्रांड पहुँचे हैं, क्या टेक्नोलॉजी नई आई है उसके बारे में बात करेंगे। अब बस ऐसे मत बोलना, वीडियो अलाउड नहीं है। लो जी, फाइनली पहुंच चुके हैं जो एग्जीबिशन है हमारा, और हमारे साथ कुछ लोग, कहाँ से हैं आप? नंदुरबार, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पहुंचे हैं और हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी अभी भीड़ लगी हुई है। अभी गेट ओपन नहीं हुआ क्योंकि 9:30 हुए हैं, अभी आधा घंटा पहले हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा रश है। पंजाब से भी बंदे मिल चुके हैं, ओंकार जी हमारे, और साथ में सरफराज, नाम तो सुना ही होगा, रांची झारखंड, और सोनी के बंदे हैं ये। मेरा आई कार्ड कहाँ पे है? आपका रेडी है जी अंदर, आपको कार्ड की जरूरत क्या है? अच्छा, मुझे कार्ड की। गेट ओपन हो चुका है और काफी सारा यहाँ पे रश भी लग चुका है। ओके, मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे बन रहे हैं आई कार्ड। एग्जीबिशन के अंदर एंटर हो चुके हैं और मेरे सामने बिल्कुल, क्या बात है, सोनी का। ओके, सोनी का काउंटर देख रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल, क्या बात है, बिल्कुल इन्होंने रोशनी कर रखी है पूरा। ओके, और मेरे साथ एक दो, क्या बात है, 10-15 तो इन्होंने सोनी के बंदे खड़ा रखे। कैसे हैं सर आप? हाँ जी जी, ओह ये बंदे देखे लगे हैं, कैसे हैं सर? हाय साजन, हाउ आर यू? गुड गुड सर। हाय, हेलो, वेलकम। हेलो सर, इंट्रोडक्शन सर अपना। माय नेम इज समीर एंड आई टेक केयर ऑफ समथिंग्स एट सोनी, मेजरली द टेक्निकल फॉर सिनेमा एंड आई। और तमीर सर, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि मतलब सबसे क्रिएटिव आपने बनाया, क्या नोवा पैनल्स लगाए हैं ऊपर देखो, पूरा मतलब ना सबसे ऐसा लग रहा है कि पूरा डे ही यहाँ पे डे लाइट बना रखा है, और हर कैटेगरी के मुझे लगता है कैमरे लेके आए हैं आप ना। हमने पूरी जो सोनी की लाइन अप है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिनेमा में देखेंगे FX30, FX3 और FX6, और उसके बाद जितने भी हमारे वीलॉगिंग सेक्शन है, हमारा मैक्रो सेक्शन है, वहाँ पे हमारा APS-C सेक्शन है, पूरा लेंस लाइनअप लगा हुआ है यहाँ पे, और 7R Mark 5, उसके बाद जितनी भी रेंज है, जितनी भी लेंजेज हैं, और कस्टमर के लिए जो भी यहाँ पे आएंगे, कैमरा विद वन लेंस नहीं, मल्टीपल लेंजेज हैं। जैसे फैशन फोटोग्राफर्स के लिए 135 भी है, 85 भी है, अगर वो 70-200 पे शूट करना चाहते हैं। सो जितनी भी ड्रीम मास्टर सीरीज हैं, जो सोनी के लाइन अप है, सारी लगी हुई है, ताकि जो भी लोग आए वो एक्सपीरियंस कर सके। उसके साथ हमने जो बीच में सेटअप किया है, क्योंकि ये आउटडोर वाला है, तो उसके लिए जो लाइटिंग सेटअप हुआ है, बिल्कुल ये मुझे आपका बहुत क्रिएटिव लगा, डे लाइट में बना के आपके। हाँ, हमने सो दैट ऐसा जो भी लोग आए और शूट करें उन्हें एक्चुअल कैमरा। अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ के लिए मुझे लगता है ना, लेंसेज हैं सारे अपने, जैसे सोनी यू नो कंप्लीट इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 600 mm, उसके बाद α1 लगा हुआ है, और इसी तरीके से 7R Mark 5 400 mm पे, और जो एक एक्सक्लूसिव चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे वो है 300 mm जी, जी, और वो भी α1 पे लगी हुई है। हाँ देखो, अगर मैम ने ऐसे स्माइल दे दिया किसी को, लगा कि यार नहीं मुझे यही पसंद है, फिर तो उसके लिए वो क्या। हाय मैम, योर नेम? केशवी। केशवी, हाँ जी मैम। अगर कोई ऐसा कहेगा ना तो उसका जवाब मैम। Sony booth, so we have a entire alpha lineup over there together with the three lenses, including all the G Master lenses you can try, and we also have a vlog corner over there, you can try the three types of vlogging camera over there,
Then here we have a cinema line. This time we have the FX 30, FX 3, as well as FX 6, right? 7. Then also, there's a lens corner over there. You can see the entire lineup of our lenses. So including G Master, G Lens, old IP lens, APC, SC lens, you can even try with the camera. And here also we have the telephoto lenses. So we are planning to launch new 300mm, okay. Which is coming very soon. So including that lens, you can also try these telephoto lenses. Yeah, this lens also wildlife photography. Wildlife is best. Mostly, yes, yeah. yes. Okay. Yeah. Okay. सबसे पहले जो मेरे पास है ना ECM W2 BT, एक तो मैं ये यूज कर रहा हूँ पर्सनली, और दूसरा B10 और तीसरा मेरे पास M1. ये तीन माइक मैं यूज कर रहा हूँ, ये माइक की कैटेगरी वन ऑफ द बेस्ट है ये तीनों माइक. ज़ियोन के काउंटर पे आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट था कि क्रेन 4 कैसा है और पेलोड वगैरह कैसा है इसका. वैसे ये प्रॉपर कार्बन फाइबर तो लग रहा है सर, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ना काफ़ी लोग कंफ्यूजन में है कि इसका पेलोड क्या है और ये कार्बन फाइबर का और बैटरी बैकअप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. बैटरी बैकअप जो है इसका, ये 12 आवर्स का बैटरी बैकअप है, ओके. और इसका जो पेलोड कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी पूरा 6 kg का ही लेता है. ओके. 6 kg तक का आप कैमरा विथ लेंस, अगर आपका नॉर्मल कैमरा मिररलेस यूज कर रहे हो, उसके बाद कोई बड़ा सोनी का लेंस है, मतलब ये सोनी का FX6 तक भी पेलोड उठाएगा, FX6 का पेलोड कैपेसिटी ले सकता है गिम्बल, सॉरी. प्लस इसके अंदर आपको मेन बेनिफिट मिलता है हैंड रेस्ट का यहाँ पर. तो आप जब गिम्बल होल्ड करते हो तो आपके रिस्ट पे ना जो सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आपको पेनिंग वगैरह का कुछ नहीं प्रॉब्लम रहेगा. प्लस इसमें एडवांटेज ये है कि साइड में इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में, मोस्टली आपने गिम्बल में देखा होगा बीच में जॉयस्टिक रहता है या राइट साइड में रहता है, इसमें लेफ्ट साइड रहता है तो आपको प्रॉपर ग्रिपिंग मिलता है. और सेकेंड थिंग, इसमें हैंडल दे दिया अलग से एक्स्ट्रा. थोड़ा सा बताएंगे कि कौन सा मीटर कलर ग्रेडिंग के लिए आपका बेस्ट है? हमारा ब्रांड इज कॉल्ड आइज़ो. ये जापानीज कंपनी है फर्स्ट. हमारा सारी मॉनिटर्स नो जापान मेड है बेसिकली. ये हमारा 55 ईयर ओल्ड कंपनी है बेसिकली. आपको अडोबाजी भी मॉनिटर्स आप देख रहे हो आजकल का, ओके. ये हमारा बाप है इन दैट केस, ओके. क्योंकि 2001 में वी आर दी फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस अडोबाजी भी का कलर प्रोफाइल मॉनिटर्स. सारी ग्लोब में सारी फोटोग्राफर्स जो भी यूज़ कर रहे थे पहले इन CRT मॉनिटर्स में, वी आर दी फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस यू नो अडोबाजी भी का कलर प्रोफाइल. एंड आप सारी मॉनिटर्स देख रहे हो, दिस आर ऑल प्री कैलिब्रेटेड, फैक्ट्री कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स आते हैं फर्स्ट थिंग. एंड हमारे साथ यू नो सारी मॉनिटर्स के साथ भी हुड भी आ जाता है. दिस इज बेसिकली शेडिंग, ओके. सो आपको कोई एक्सटर्नल लाइट आपको ना दिखे इसमें, सो दैट यू कैन गिव दी व्यू दी एग्जैक्ट आपको कलर्स मिल जाएगा. आप जो भी मूवीज देख रहे हो आजकल इन इंडिया में, इवन जवान से लेके RRR से लेके बाहुबली, ऑल दी मूवीज हैव बीन कलर ग्रेडेड इन आवर मॉनिटर्स. क्या बात है, स्क्रीन टिल्ट हो जाती है इसकी. अच्छा, पहली बार टिल्ट अप स्क्रीन आया है. और ये मतलब 4K है? 4K 120 फ्रेम्स प्लस 8K है. 8K मिलता है. 8K कितने FPS पे है? 25 FPS पे. और ये फुल फ्रेम है या क्रॉप सेंसर में है? ये 1-inch सेंसर में है. 1-inch सेंसर है ना, हाफ सेंसर नहीं है. तो जैसे ये तो हाफ सेंसर में था, ठीक है. और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास. BenQ का रिव्यू करते करते एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी मिले हैं हमें, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है. और हाँ जी, मानसी जी, कैसे हैं? क्या बात, बड़ा अच्छा बैच आपने लगाया हुआ है फोटो एजुकेटर्स. अच्छा, आपके चैनल का नाम है ना, ओके. और साथ में उनके डायरेक्टर, क्या कैसे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ है. पार्थ जी, आप अपना नाम भूल गए थे. वीडियो बहुत देखते हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं. अगर सिनेमाटोग्राफी के बारे में कुछ भी जानना हो तो ऑफ कोर्स इज द राइट पर्सन. ओ यार, ये ऐसे फेमस करते रहते हैं मुझे. और यहाँ पे है गोडेक्स, तो गोडेक्स के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है. आप लाइट देख रहे हो कितनी सॉलिड है. यहाँ पे सैमसंग के भी काफ़ी अच्छे लेंसेज हैं, जो कि स्पेशल सिनेमा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. स्पॉटलाइट माउंट है, ओके. इसमें आप देख सकते हो कि हम लोग पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं. तो सर ये लेंस कौन सा फ्रंट पे लगा हुआ है? जो स्पॉटलाइट लेंस है. स्पॉटलाइट लेंस है, मतलब जितना इसे पीछे लेके जाएंगे उतना ये दायरा बड़ा होता जाए. हमारे साथ है मनीष सर. मनीष सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर जी, आप बताइए. सर सजन मदान.
साजन मदान, साजन मदान, राइट राइट, आई एम गुड, तो गुड टू सी यू मुंबई, थैंक यू सो मच सर। और सर हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, हम फर्स्ट टाइम वैसे मिले हैं और सर का यूट्यूब चैनल है और काफ़ी अच्छा लगता है ये, बेसिकली आप फोटोग्राफी सिखाते हैं ना वहाँ पर? हमारा पूरा डेडिकेटेड टू ओनली फोटोग्राफर। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा लाइक में फर्स्ट टाइम आपसे मिल के, और सेम हियर, थैंक यू सर। और साथ में हमारे हैं साहिल जी, साहिल जी आपका जो पीछे नाम है ये थोड़ा सा, हाँ जी ढाला, ढाला, अच्छा अच्छा मैं उल्टा लेने वाला था। साहिल जी बड़े अच्छे यूट्यूबर और इंस्टाग्राम चला रहे हैं, और साहिल जी बेसिकली आपका जो चैनल है किस पे बेस्ड है? फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। अच्छा, दोनों कॉमन लेके चलते हो, फोटोग्राफी भी और आप वीडियो भी, प्रोडक्ट्स वगैरह, जी जी। और इन्हें तो आप जानती हैं, ये लड़की जो सामने खड़ी हुई है, और नीचे जो है पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ है, देख सकते हैं क्या आवाज है, ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ, इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है, देन इस तरफ तक, क्या आवाज है, बहुत ही वाइडेस्ट एरिया है एग्जीबिशन का। कुछ लोग मिले हैं और ये, हाँ जी सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल पौर फोटो वाला है, एंड मैं सर का चैनल डेली देखता हूँ, बहुत अच्छा सिखाते सर, और अच्छा भी कंटेंट, नए क्रिएटिव कंटेंट लाते हैं। अभी उन्होंने फिलहाल कलर ग्रेडिंग का कुछ कंसेप्ट जो अपना प्रीसेट वगैरह बनाया, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, मेरी तारीफ के बजाय आप अपने बारे में बताइए, और ये चिल्लर पार्टी इकट्ठा करके आप कहाँ जा रहे हैं? ये चिल्लर पार्टी मेरे स्टूडेंट है, मेरा नाम फोटो वाला है, राहुल पावर फोटो वाला, एंड ये मेरा पुणे में एकेडमी इंस्टीट्यूट है जो मैं चलाता हूँ, तो मतलब सर से मिलकर अच्छा लगा, तो मैं फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी सब कुछ सिखाता हूँ, ऐसा है। थैंक यू सो मच भाई, स्टूडेंट्स हो आप भी, स्टूडेंट हो आप, क्या सीखते हो? फोटोग्राफी। आप? फोटोग्राफी एडिटिंग, फोटोशॉप। ऑल ऑल ऑलराउंडर बनना है? ऑलराउंडर, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। आप क्या सीखते हो? फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी। चेन्नई स्टूडेंट है। थैंक यू सो मच साजन सर। नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू। तो मेरे सामने सिग्मा का भी काउंटर है, बड़ा अच्छा इन्होंने भी सजा रखा है, और पूरे लेंसेज हैं इनके पास भी, पूरी कैटेगरी के। तो पैनासोनिक, पैनासोनिक के भी कैमरे यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, और अपनी लाइव डेमो तो हर किसी ने रखा हुआ है, मतलब आप लाइव डेमो वगैरह कैच कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार बहुत लोग हमें जानते हैं, सेल्फी लेते हैं, प्यार देते हैं, क्योंकि ऑडियंस है जो हमारी, जो लोग हमें प्यार करते हैं उन्हीं की वजह से ही हम हैं, नहीं तो कोई हमें फ़ोटो ना खिंचवाए और ना कोई हमें पूछे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार करते हो, जान दे जान दे। वहाँ से रोज़ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है दूसरी तरफ, और सामने से वहाँ, और इस तरफ से यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, और ऐसे एग्जीबिशन में विज़िट किया करें, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे सिर्फ 10-12 ब्रांड्स के बारे में ही पता था, आज यहाँ पे आके पता चला, अच्छा ये भी मोनीटर है, अच्छा ये भी लाइट होती है, ये भी बैग होता है, और बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ग्रैंडियर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।